स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम आपके लिए सरकार द्वारा लाई गई नई नई योजनाएं, उनकी अपडेट और सरकारी नौकरियों के बारे में हर रोज नई नई जानकारियां लाते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, सभी बड़े बुजुर्ग बनवा सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसकी वजह से आपको किराए में छूट मिलेगी, मुफ्त इलाज हो पाएगा। इसलिए आप जल्दी ही ये कार्ड बनवा लें, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप ये कार्ड बनवा दें उनका। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या है ये सिटीजन कार्ड और कैसे इसका आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। सरकार ने एक नया कार्ड शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए। अब उन्हें एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग वे दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुलझा सकेंगे। यह कार्ड, जिसे वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस कार्ड के माध्यम से उन्हें अपनी पहचान के संबंध में पूरी जानकारी मिले। यह कार्ड विभिन्न विशेष सुविधाओं और लाभों का आनंद लेने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड 2023 के फायदे क्या हैं? वरिष्ठ नागरिकों को इन कार्डों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के साथ साथ निजी उपक्रम भी लाभ प्रदान करते हैं। इन कार्डों से कार्ड धारक के रक्त समूह, आपातकालीन संपर्क नंबर, एलर्जी और दवाओं के बारे में जानकारी जैसे आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। आइए वरिष्ठ नागरिक की पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों को अपने संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के साथ सत्यापन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों को अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह आवेदन पत्र केवल संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होता है, जहां व्यक्ति इसे ऑनलाइन भर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के लिए एक वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, जैसे कि seniorcitizen.dillipolice.gov.in। इसी तरह के फॉर्म अन्य राज्य सरकार की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। आप सीनियर सिटीजन कार्ड 2023 के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको आयु प्रमाण दस्तावेज चाहिए होगा। इसके लिए आपको स्वीकार्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र शामिल है। निवास प्रमाण पत्र का दस्तावेज, आवेदक के नाम पर वैध दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड या बिजली फोन बिल जमा किया जा सकता है। चिकित्सा सूचना दस्तावेज, इनमें रक्त रिपोर्ट, दवा का डिटेल और एलर्जी रिपोर्ट शामिल है। आवेदन के साथ स्टॉम्प साइज के 3 फोटो भी चिपकाने होंगे। व्यक्ति को आवेदन पत्र में 2 तस्वीरें, पते के प्रमाण और उम्र के प्रमाण सहित दस्तावेजों को पंजीकृत करके और जमा करके आवेदन करना होगा। एक बार आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्ति का वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र दे दिया जाएगा और उसे दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद जारी किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड अनेक लाभ प्रदान कर सकता है, जिसमें सस्ती हवाई यात्रा टिकट, कम टैक्स की दर, कुछ मामलों में कर रिटर्न दाखिल करने में मुक्ति, जमा की गई धनराशि पर अधिक ब्याज दर, डाक सुविधाओं में वृद्धि, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड कंपनियों के लिए पंजीकरण और मासिक किराए में छूट शामिल है। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी और आप ये सीनियर सिटीजन कार्ड अपने घर वालों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बनवाने में मदद करेंगे। और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।